अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लमगड़ा शाखा से करीब 72 लाख रुपए की हेराफेरी हुई है। जानकारी के अनुसार बैंक के कैशियर पर ही प्राइमरी सोसाइटी और FD जमा खातों से गबन का आरोप लगा है। वहीं इसके बाद जिला सहकारी बैंक ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं बैंक महाप्रबंधक ने कहा कि जांच के बाद मामले में लिप्त कैशियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला सहकारी बैंक की शाखा है हमारी लमगड़ा में, तो लमगड़ा शाखा में जीवन सिंह बिस्ट कैशियर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कार्य करते हुए करीब 44,85,400 रुपया प्राइमरी सोसाइटीज़ का टैक्स का अपहरण किया। उसको जो है रसीद तो दे दी लेकिन पैसा बैंक पर जमा नहीं किया। उसी तरह से 27,53,725 रुपया कुछ अन्य खातों में जिसमें FDR भी शामिल है उसमें घपला किया। पब्लिक से FDR इश्यू हुई लेकिन वो पैसा हमारे पास बैंक पर नहीं पहुंचा है। तो इस सब के खिलाफ जो है बैंक में एक FIR वो लमगड़ा थाने में एक FIR जो है सब विचारोपरांत जब सबने विचार किया गया सारे प्रकरण पर तो एक FIR दर्ज कर दी गई है। FIR दर्ज करने की तिथि है चूँकि लमगड़ा में है तो लमगड़ा थाने में लंबित है, वो अपना जांच करेंगे। फिलहाल आरोपी कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। देखना होगा कि मामले में आरोपी के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।